नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। प्रदेश सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विभिन्न निगम बोर्ड आयोग के माननीय चेयरमैन का सदस्यगण भी मौजूद थे। बैठक आगामी निकाय चुनाव के दृष्टिगत हुई है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी टिकट देने के लिए विचार में है। चुनाव रणनीति संबंधित इस बैठक में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रदेश पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय अध्यक्षों को संबोधित करते हुए निकाय चुनाव में मजबूती से लगने का आह्वान किया है। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि निकाय चुनाव 4 और 11 मई को होंगे। 4 मई को पहले चरण और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 13 मई को मतगणना होगी। इसी के साथ यूपी में आचार संहिता लागू कर दी गई है। हर चरण में 9 मंडल में चुनाव होंगे। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से प्राइम टीवी संवाददाता जशान अहमद ने नगर निकाय चुनाव को लेकर खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूक चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारने की कवायद में हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी। आइए इनसे बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रत्याशियों को उतारने की कवायद है और क्या चुनावों को लेकर अहम मुद्दे हैं। मंत्री, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। नमस्कार। नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत जीवंत संपर्क जनता से रखता है और हमेशा जन समस्याओं के लिए संघर्ष करना, जन समस्याओं के समाधान के प्रयत्नशील रहना, तो सीधा उसका संपर्क जनता से है। कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए उसके पास एक कैडर है। तो हमारी चुनाव की तैयारी तो जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं, इसी आधार पर हमेशा रहती है। मंत्री, आप आगरा से लगातार 3 बार के विधायक हैं और अब मंत्री हैं, तो आगरा में किस तरीके से रहेगा नगर निगम चुनाव? आगरा में पिछली 6 बार से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन रहा है। ये यहाँ की जनता का प्यार है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और अब भी जो हमारा नेता मोदी जी और योगी जी का प्रयास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यानी हर छोर पर बैठे, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए जो हमारे नेताओं ने काम किए हैं, जो हमारी पार्टी ने काम किए हैं, हमारे जितने भी क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं, जो हर वर्ग के लिए, उसकी समस्या के लिए खड़े रहते हैं, इन सब का विश्वास हमारे साथ है। इसलिए फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा और बहुमत भाजपा की नगर निगम बनेगी। बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर और माफियाओं पर बुलडोजर से कार्रवाई की हो रही है, तो कैसे, किस तरीके से देखते हैं आप, जनता क्या देख रही है चुनावों में कि बुलडोजर की कार्रवाई काफ़ी पसंद भी आ रही है जनता को, क्या कहेंगे? देखिए, जनता आतंकित होती है गुंडे से, माफियाओं से, बदमाशों से, और जब ये आतंक फैलाते हैं तो जनता दहशत में उनको नमस्कार करती है, प्रेम से नहीं। पिछली जो सरकारें थीं उनको संरक्षण देती थी, उनका पोषण करती थी। मैं पूछता हूँ क्या कारण है जब हाउस के अंदर हमारे नेता योगी जी ने ये साफ कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो क्यों अखिलेश जी को मिर्च लगी, क्यों अपनी सीट से उछल पड़े, क्यों उनको परेशानी महसूस हुई? साफ जाहिर था कि एक तरफ वो नेता खड़ा था जो कह रहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और दूसरी तरफ वो कह रहा था आप कैसे मिट्टी में मिला देंगे। तो साफ जनता देख रही है कि एक तरफ बदमाशों के, माफियाओं के पोषक और दूसरी तरफ माफियाओं को धूल में मिलाने वाले लोग, तो हमें पसंद कर रही है, कानून व्यवस्था चाक चौबंद हुई है। देखा आपने, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिनका साफ तौर से कहना है कि नगर निगम चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। अमरोहा में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से प्राइम टीवी से खास बातचीत की, कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभियान 2023 आने वाला है।
जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनके द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर जो हमने बातचीत की है, आप भी सुनिए। नमस्कार, मेरे साथ अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार हैं। बात करेंगे इनसे कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2023 है, उसको लेकर के नगर पालिका की ओर से क्या तैयारियां की गई। जी बताइए। पहले आपके चैनल का धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आने वाला है, और उसकी तैयारी को लेकर नगर पालिका बहुत पहले से लग चुकी थी, क्योंकि इस बार जो मॉनिटरिंग जो हमारा नगर विकास विभाग है, वहाँ से चाहे हमारी डायरेक्टर मैम हों, चाहे हमारे प्रमुख सचिव सर हों, चाहे माननीय मंत्री जी हों, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि इस बार प्रदेश को अव्वल नंबर पे जो है, जो एक पुरस्कार, जो एक सम्मान जो हमें दिल्ली में मिलता है स्वच्छता के क्षेत्र में, उसमें प्रदेश अव्वल करे और प्रदेश के जितने भी निकाय हैं वो बेहतर से बेहतर करें। तो उसको लेकर जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, उसके बाद ही तैयारियाँ शुरू कर दी गई थी। उसके बीच में दो महत्वपूर्ण कंपोनेंट थे। पहला था कि ODO +++ सभी निकायों को कराना था और GFC स्टार रेटिंग के लिए जाना था। तो अमरोहा नगर पालिका परिषद ODO +++ के लिए जा रही है, हमारी पूरी तैयारियां हैं। अभी थोड़े दिन पहले जो है, जो हमारी स्वच्छ भारत मिशन के जो मिशन निदेशक हैं, डायरेक्टर मैम, उनके द्वारा 75 घंटे टॉयलेट का अभियान चलाया गया था। उसमें जो भी टॉयलेट में टूट फूट थी, जो भी दरवाजे टूटे हुए थे, या जो भी ODO +++ के जो भी SOP है, जो मानक है, उन सभी मानकों पर जो है उन शौचालयों को जो परखा गया था और उनमें जो भी सुधार होना था सुधार कराए गए हैं। अब हमारे शौचालय जितने भी हैं, चाहे सामुदायिक हों चाहे सार्वजनिक हों, वो इस ODO +++ के लिए तैयार हैं। इसमें जो हमारा डाई डेरा में जो SST प्लांट है, जहाँ पे जो हमारा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो भी आज की डेट में बहुत अच्छा हमारा रनिंग कर रहा है। तो हर स्थिति में इस बार हम ODO +++ सर्टिफिकेट लाएंगे। इसके अलावा GFC स्टार रेटिंग के लिए हम लोग 3 स्टार के लिए जा रहे हैं, और अभी हाल ही में 2 दिन पहले जो है, जो हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए गए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीम है, वो डॉक्यूमेंट में हम पास हो चुके हैं। और अभी कल मेरे द्वारा बैठक भी ली गई थी सारे इंस्पेक्टरों के, सफाई नायकों की, कि जो डॉक्यूमेंट में हमने जो भरा है, जो सूचनाएं दी हैं, उनके वास्तविक धरातल पर उनकी क्या आज की डेट में क्या एग्जिस्ट कर रही हैं, उसको लेके हमारी पूरी तैयारी है। और हम दृढ़ संकल्प हैं कि इन 2 सर्टिफिकेट के साथ साथ इस बार हम जो अमरोहा नगर पालिका परिषद को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में एक महत्वपूर्ण स्थान लाएंगे और दिल्ली में हम लोग पुरस्कृत होकर दिखाएंगे। विनीत अग्रवाल, Prime TV, अमरोहा। औरैया में व्यापार मंडल के पदाधिकारी व्यापारियों ने निर्वाचन आयोग को संबंधित ज्ञापन सदर SDM को सौंपा। चुनाव नजदीक आते ही लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर शिकायतें कर रहे हैं। वहीं मंडी के व्यापारियों उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों के व्यापार एवं मजदूरी करने वाले पल्लेदारों को काफी परेशानी होती है, जिसके लिए कहा गया कि सरकारी भवनों में मतगणना कराई जाए, जिसमें पल्लेदारों को रोजी रोटी मिलती रहे। हाईवे पर चेकिंग की जा रही है, किस वजह से की जा रही है, क्या देखा जा रहा है? देखिए, इसमें पूर्व में यहाँ पे सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 3-4 लोग हताहत हुए थे और काफ़ी संख्या में लोग इंजर्ड हुए थे। इसी को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदया ने ये हम लोगों को निर्देश दिया है कि जाके इस बात का भलीभांति अवलोकन कर लिया जाए, क्योंकि इटावा कानपुर हाईवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो उतार बिंदु है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही दिशा में गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, तो काफ़ी हादसे होने के चांसेस रहते हैं। इसके दृष्टिगत हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, अवलोकन करने के पश्चात इसमें क्या और अच्छा हम लोग कर सकते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया जाएगा और उन्हीं के निर्देशन में आप। गाजियाबाद के थाना कवि नगर पुलिस ने मिनटों में एकांत जगह पर खड़ी हुई बाइकों को गायब करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया है। इनके साथ ही चोरों के पास से 10 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। कवि नगर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध लोगों को की जब जानकारी करी, तो इनके पास से 10 चोरी की बाइकें बरामद हुई हैं, जिसमें कि एक स्कूटी भी सम्मिलित है। इसमें से एक अभियुक्त गौरव, जो कि यहाँ थाना टीला मोड़ गाजियाबाद का रहने वाला है, उसके ऊपर 9 मुकदमे पंजीकृत हैं पूर्व में, जो कि गाड़ी चोरी और बरामदगी से संबंधित हैं। इसके अलावा दूसरा अभियुक्त प्रिंस, जिसकी उम्र करीब 20 वर्ष है, बागपत का रहने वाला है, इसके ऊपर 5 मुकदमे पंजीकृत हैं बाइक चोरी और बरामदगी के संबंध में।
हरदोई में अतरौली इलाके में 1.5 वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने बुआ पर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस बल के साथ एसपी एएसपी ने मौके पर जायजा लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना पर एसपी एएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिन में बच्चा अपनी बुआ के साथ घर में था और उसको अचेत अवस्था में पाया गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों द्वारा बुआ पर ही शंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा तहरीर ले ली गई है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है और जैसा भी निकल के आएगा पोस्टमार्टम से और तहरीर के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज गति से आ रही कार की टक्कर से साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चलें, इस घटना से परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रयागराज में प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक की दुखद कहानी का दुखद अंत हो गया। दरअसल पीड़ित शिक्षक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। शिक्षक ने अपने कमरे में पंखे से नायलॉन की डोरी से फांसी लगाकर जान दे दी। शिक्षक के पिता ने बताया कि उनके बेटे की शादी 24 मई 2021 को हुई थी। मायके पक्ष के लोगों का आरोप था कि मेरी बेटी की प्रसव के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शिक्षक से बेटी लड़की पक्ष की सुलह समझौता होने के बावजूद पिता का आरोप है कि उसके बेटे से पुनः पैसे की डिमांड करने पर शिक्षक बेटा डिप्रेशन में हो गया था, जिसकी वजह से कर्ज में डूबे शिक्षक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निकाय चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज दूसरा दिन है। बता दें कि पहले दिन अध्यक्ष पद के 54 और सभासद पदों के 394 पर्चे बिके। इस दौरान नामांकन स्थल पर पुलिस का भारी पहरा रहा। वहीं भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्रों की पहले दिन की बिक्री हुई। रायबरेली में एक नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों पर चुनाव होना है, जहां 4 मई को पहले चरण में रायबरेली में मतदान होगा। वहीं डीएम और एसपी नामांकन स्थल की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। संबल में जिला अधिकारी ने नगरीय निकाय सम्मान निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरी निकाय बहजोई का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वहां की आधारभूत सुविधाओं को चेक किया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्यालय में तैनात कर्मचारी कार्यालय में व्यवस्थित रूप से बैठे एवं निर्वाचन कार्यों का पूर्णता शासनादेशों का पालन करते हुए अपने कार्यों का तत्परता से निर्वहन करें। गाजियाबाद में एक युवक हाई राइज सोसाइटी की 10वीं मंजिल से नीचे गिर गया, जिसके बाद युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि युवक बीएससी का छात्र था। वहीं युवक की मौत के बाद परिजनों का बुरा हाल है। हरदोई में दहेज के चलते एक महिला को प्रताड़ित किया गया, उसके साथ मारपीट की गई। बताते चले कि गर्भवती महिला को पिटाई के बाद दहेज लोभी मायके छोड़ गए। दहेज लोभी महिला से कार की मांग कर रहे थे। कार की मांग ना पूरी होने पर ससुरालियों ने पिटाई करके महिला को मायके में छोड़ दिया। एसपी से शिकायत करने पहुंची महिला पुलिस कार्यालय के बाहर गिर गई, जिसे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। गांव के निवासी हैं जो थाना पियानी पड़ता है,
वो अपनी पुत्री को लेके आए थे कि इनके ससुराल वाले, इनकी शादी पुत्री की हुई थी शाहजहाँपुर में, रौजा में। इनका ये कहना था कि हमारी पुत्री को ससुराल वाले मारपीट के घर पे छोड़ गए हैं, तो उसको यहाँ ले आए थे और उसको जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। उनका प्रार्थना पत्र लेके कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी में चोरी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इसके साथ ही दो वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4 बाइक, 2 कारें, तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। चोरों पर 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। पूरा मामला थाना भोगांव क्षेत्र खंडहर के पास का है। जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इनसे अभी पूछताछ हमारी चल रही है इसकी, और अगर आप ये देखेंगे जो कार मिली है ये अभी जनवरी माह में कस्बा भोगांव से चुराई गई थी इनके द्वारा, वो बरामद हुई है। मार्च में मोटरसाइकिल चोरी किए थे, वो बरामद हुई है। दो वाहन अभी तक कनेक्ट हुए हैं भोगांव से, बाकी अन्य के बारे में हमारी पूछताछ जारी है और उनको कनेक्ट किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास की बात करो तो कितने दिन से ये ऐसी घटना को अंजाम दे रहे हैं? ये जिसमें राहुल को आप देखेंगे तो इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। करीब 1.5 दर्जन मुकदमे इस पर पहले से दर्ज हैं, जिसमें वाहन चोरी से लेके हत्या के प्रयास का, गैंगस्टर का मुकदमा इसके ऊपर। सुल्तानपुर में रात के अंधेरे में पेट्रोल पंप पर लूटपाट की घटना सामने आई है। बताते चलें कि 4 बदमाशों ने असलहे के बल पर सेल्समैन से 50,000 लूटे और वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसपी सोमेन वर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 3 घंटे बाद पुलिस टीम ने जांच पड़ताल की। तो तुम लोग यहां चौकीदारी कर रहे हो और रिवॉल्वर लगा दिए, कहे जो है निकाल दीजिए, वो निकाल के ले लिए। अंदर ले गए कमरे में रिवॉल्वर लगा करके, वहाँ गल्ला तोड़ के जितना सबके पास पैसा था सब ले गए। लगभग 60-70 हज़ार रुपये लेके गए वो लोग। जाते समय गेट बाहर से बंद किए और चले गए। कहे सारे का गेट खोल के निकलो तो गोली मार दूंगा। वो लोग चले गए तो हम सूचना दिए अपने पहले मालिक को, अपने मालिक के मिस्टर कशीर अहमद को। उसके बाद हम 100 नंबर को फ़ोन किए, उसके बाद पूरी फोर्स आई। तब हमारे मालिक जिसको जिसको सूचना दिए, जिले के सभी अधिकारी आए थे सर। श्रावस्ती में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताते चलें कि पहले चरण में 4 मई को जिले में मतदान होना है। इसी को लेकर एसपी प्राची सिंह ने नामांकन स्थल का जायजा लिया। एसपी ने भिनगा तहसील स्थित नामांकन स्थल का भ्रमण कर बैरिकेडिंग पर खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। एसपी ने कहा कि पुलिस उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी। निरीक्षण के दौरान एएसपी सीओ भी मौजूद रहे, जिसमें मेरे द्वारा पर्सनली जाके और मेरे सभी अधिकारियों द्वारा मेरे साथ जाके वहाँ स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि जो भी 144 के मानक है वो प्रॉपरली वहाँ फॉलो हो और लॉ एंड ऑर्डर वायलेट करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। रायबरेली में प्रसूता की प्रसव के बाद मौत का मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था। बताया जाता है कि प्रसूता ने एक बेटी को जन्म दिया। प्रसव के बाद प्रसूता को वार्ड में भर्ती करा दिया गया और इसके बाद उसके अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद प्रसूता के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के बाद लगातार रक्तस्राव हो रहा था और चिकित्सकों ने उसकी देखभाल नहीं की। चिकित्सकों की लापरवाही और अधिक खून बह जाने के कारण प्रसूता की मौत हुई है। जिसमें कि एक लड़का है आशु सिंह नाम का, 26 साल उम्र में करीब का है। ये मृत अवस्था में आया था, हेड इंजरी है और बॉडी में और भी एक दो जगह इंजरीज हैं, मल्टीपल इंजरीज हैं और ये ब्रॉड डेड था। इसके अलावा एक मालती सिंह करके एक औरत आई है जो 45 साल की है, इसके भी हेड इंजरी है, इसको रेफ़र कर रहे हैं। और एक अनुज सिंह करके लड़का है, इसका भी माथे पे चोट है, वो सिंपल इंजरी है, उसको टांके लगा दिए, प्राथमिक उपचार दे दिया गया है।
और एक समरजीत सिंह 40 साल के पुरुष हैं, इनको भी बहुत मामूली चोटें हैं रगड़ घसोट वाली, तो उनको भी खबर चंदौली से है जहां बच्चों के सामने शिक्षकों ने मारपीट की। शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षा के मायने भूल गए। आपको बता दें कि शिक्षा मित्र और अध्यापक के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला थाने तक पहुंच गया। थाने में सुलह हुई लेकिन विभाग ने जांच बैठाई है। इसके साथ ही BSA ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पूरा मामला नौगढ़ ब्लॉक के सत्यनारायणपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। सत्यनारायणपुर का, उसमें दोनों टीचर में आपस में मारपीट का यह संज्ञान लाया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि दोनों में आपसी विवाद के चलते यह हुआ है। तो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, उसको नोटिस जारी हो रही है ताकि स्कूल का माहौल, कोई भी शैक्षणिक माहौल खराब ना होने पाए, उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा। अंबेडकर नगर में आग का तांडव देखने को मिला। आपको बता दें कि किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। आग से लगभग 200 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। सूचना दमकल विभाग की गाड़ियों को दी गई लेकिन दमकल विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। अग्निशमन की व्यवस्था नदारद रही। वहीं ग्रामीणों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। ये सर 2 घंटा हुआ आग लगे। आग लगने की वजह? अब आग लगने की वजह सर मालूम नहीं, माझा इतना बड़ा है कैसे लगा है तो नहीं मालूम। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई? 2 घंटा हो गया सर, अभी आई नहीं। कितना का नुकसान हुआ लगभग? सर 200-300 बीघा लोगों का जला है फसल। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अवसानपुर माझा में इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ भी एक आग का तांडव देखने को मिला है, जो कि 200 बीघा लगभग फसल जलकर राख हो चुकी है। यहाँ अज्ञात कारणों से आग लगी है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जो सूचनाएं मिल रही हैं, कंबाइंड मशीन द्वारा भूसा बनाने का काम चल रहा था और उसी की वजह से आग की आशंका लगने की जताई जा रही है, लेकिन अभी कुछ क्लियर कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैमरा पर्सन से कहना चाहेंगे हमारे पीछे का वो पूरा नज़ारा दिखाएं, जूम करके के देखिए आखिर किस तरीके से पूरा 200 बीघा फसल जलकर राख हो गया है। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 2 घंटे से अधिक सूचना देने के बावजूद भी एक भी दमकल का अधिकारी कर्मचारी यहां पर नहीं पहुंचा। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए यहां के एक किसान हैं, अरविंद यादव जी। जी ये आग कब और कैसे लगी? 2 घंटा पहले आग लगी हुई है और उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड को यहाँ के ग्रामीणों ने शिकायत किया, हमने भी किया है। अभी हमने फायर को जब शिकायत किया तो शिकायत के बाद PRB 69 आती है, हम करते हैं दमकल को फ़ोन और उसके बाद जो है PRB आती है, क्या PRB जो है बताएगी आग। वास्तविकता यही है कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर टांडा ब्लॉक में बंद है, बिगड़ी हुई खड़ी हुई है, यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है आग पर। लगातार दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर आग की सूचना मिलती है लेकिन फायर ब्रिगेड है कि आने का नाम नहीं ले रही है। हमने तहसीलदार से भी कहा, अन्य अधिकारियों से भी कहा, यहाँ तक 101 पे कॉल भी किया, 112 पे कॉल किया, लेकिन अभी तक दमकल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी तरीके से करीब 4-5 गाड़ियाँ लगा करके ग्रामीण लोग आग पर काबू पाए हैं। 200 बीघा फसल जली हुई है, किसानों को कोई क्षतिपूर्ति नहीं होगी, मात्र लेखपाल आएंगे लिख देंगे 150 व्यवस्था करवा देंगे, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं होगी। यह है ग्रामीणों की दर्द, वास्तविकता यही है। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा एक किसान ने अपना दर्द पीड़ा कहा और जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में भयानक गर्मी चल रही है और ऐसे में तैयार फसल है। जिला प्रशासन को पहले ही एहतियातन के तौर पर, अग्निशमन विभाग को एहतियातन के तौर पर पूरा एकदम बाकायदे अलर्ट मूड पर रखना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की नाकामी कहेंगे, जो अब तक यहाँ 2 घंटे हो गए सूचना देने के बावजूद अग्निशमन की गाड़ी नहीं पहुँची, ऐसे में बहुत बड़ी लापरवाही है। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, प्राइम टीवी अंबेडकर नगर। फरीदाबाद में डेयरी संचालक सुनील के ब्लाइंड मर्डर केस में क्राइम ब्रांच टीम को सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस से रिमांड पर भेज दिया गया है और इसके साथ ही पुलिस पूछताछ कर रही है।
पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बाजड़ी गांव के पास उत्तम नगर एरिया में एक व्यक्ति जो सुनील नाम का व्यक्ति था उसकी डेयरी में के अज्ञात लोगों ने ईंट पत्थर मार के हत्या कर दी है, जिस पे हमारे आदरणीय सीपी साहब श्री विकास अरोड़ा तथा आदरणीय डीसीपी क्राइम श्री मुकेश मल्होत्रा के निर्देश में कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच डीएलएफ को डिप्यूट किया गया इंस्पेक्टर राकेश के नेतृत्व में। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने इस अनट्रेस मुकदमे को बहुत ही कम समय में ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की और इसमें एक अक्यूज्ड को अब गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरोपी कितने थे मारने वाले और किस बात को लेकर घटना को अंजाम दी? इसमें टोटल अक्यूज्ड अब तक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार दो हैं और घटना की वजह ये थी कि उसी दिन एक पड़ोस में ही कन्हैया नाम का व्यक्ति था, उसके यहाँ उसके पोते की जन्मदिन पार्टी थी जहाँ पे अक्यूज्ड और मृतक दोनों इनवाइटेड थे। सहारनपुर में पति की हरकतों से तंग आकर पत्नी ने अपने पति की निर्मम हत्या कर दी है। बताते चलें कि चिलकाना इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। खुलासे में पता चला कि पति की हरकतों से तंग आकर पत्नी ने अपने पति के दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि घटना का खुलासा सहारनपुर के एसपी सिटी आईपीएस अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है। थाना से चिलकाना से एक खबर आई थी, एक सूचना मिली थी पुलिस को कि एक डेड बॉडी है जो घर में रखी हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में रखी हुई है। जब पुलिस वहां पर तुरंत पहुंची तो उसको सतपाल नामक वो युवक था जिसकी डेड बॉडी थी। घर वालों से पूछताछ हुई और जो आखिरी रात उसके साथ कौन कौन था उनसे पूछताछ हुई तो बात ये निकल के आई थी कि उसकी जो उसकी खुद की पत्नी थी जिनका नाम रामवती है उन्हीं के द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया है। रात को चुन्नी से गला घोट के मर्डर कर दिया था। जब उनसे पूछताछ पे इसका कारण पूछा गया तो बताया गया कि ये सतपाल द्वारा काफ़ी नशा किया जाता था, शराब पी जाती थी, उसके बाद इसे मारपीट की जाती थी, जिससे तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।